गीता श्री उराव जी आज हमारे चैनल पे भी मौजूद है। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। तो थोड़ा अभी जिस तरीके से सीएम जी का बयान आ रहा है तो इसको लेकर क्या लगता है कि 1932 कहते हैं अभी लागू हो पाना पॉसिबल है? देखिए सीएम तो जो है बाय बाय यूटर्न पे यूटर्न लिए जाते हैं। उन्होंने 23 तारीख को कहा कुछ कि झारखंड में जो है अब नियोजन नीति खतियान आधारित नहीं बन सकती, यानी वो खतियान को ही स्थानीय नीति बनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक तरफ तो वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड में बिहार की बोलियों को जगह दे रहे हैं, दिलवाया है उन्होंने कि वो लोग अब 10वीं 12वीं की बोर्ड लेके उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ताकि नौकरी उनको मिले। तो वो खतियान आधारित अगर नियोजन नीति बना देंगे तो उनका तो सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा ना। तो इस तरह की बात एक बार करते हैं, जब विरोध होता है उनका युवाओं के द्वारा जब अल्पटक का चौक में किया गया तो फिर वो तुरंत उन्होंने आखिरी दिन में ये दे दिया कि नहीं, हम लोग जनता जनभावना का सम्मान करते हुए खतियान आधारित जो है अब नियोजन नीति और स्थानीय नीति बना। अब इनके बोलने का क्या वो विश्वास करें, जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक हम लोग उनकी बात का कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी मांगे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, और नियोजन नीति में मात्र जो है तीसरी चौथी जो वर्ग की नौकरियों की बात करते हैं, हमारी जो दूसरे वर्ग की जो नौकरी है जो स्टेट सर्विस है JPSC उसको भी सुरक्षित करने चाहिए की जरूरत है, क्योंकि दूसरे राज्य में जाके देखिए 2-3-5% से भी ज़्यादा बाहर के लोगों को वहाँ पर अप्लाई करने नहीं दिया जाता है, मगर यहाँ हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके हमारे राज्य स्तर की जो इस तरह की नौकरियों में अपना हिस्सा जमा रहे हैं, और हमारे यहाँ झारखंडी कम और बाहरी लोग आप लोगों को जो है अफसर के तौर पर ज़्यादा दिख रहे हैं, जिनको हमारे यहाँ की जनभावनाओं से यहाँ के कानून नियम से कोई सरोकार नहीं रहता है, और उनका रवैया आप लोग खुद हम लोग देख रहे हैं इतने वर्षों में कि किस तरह से पक्षपाती होता है, और वो एक आते हैं और अपना खानदान 2-4 खानदान भी यहाँ पर ले आते हैं। तो झारखंडी जिसका अपना मौलिक अधिकार है, संविधानिक अधिकार है अपने राज्य में, जो उसको जो नियोजन का अपनी पहचान बनाने का, और जो भाषा नीति भी होना चाहिए, और हमारा जो खनिज संपदा संपन्न जो अपना ये राज्य है वहाँ पर जो स्थानीय नीति उद्योग नीति बननी चाहिए ताकि यहाँ पर लोगों के उससे जो राजस्व की प्राप्ति से हमारे राज्य का निर्माण सही तरीके से और विकास सही तरीके से हो सके, मगर बाहर से कंपनियां आती हैं मुनाफा कमाती हैं और हमारा जो है सारा संसाधन भी जो दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, क्या हमारे लोगों को यहाँ उसका फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, विस्थापन झेलना पड़ रहा है, पलायन झेलना पड़ रहा है। इतना अमीर राज्य होने के बावजूद हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, वो दर दर भटकने के लिए दूसरे राज्यों में जाके नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर सिर्फ वायदे करती है और सिर्फ सपना दिखाती है, मगर लोगों को किस तरह से यहाँ पर उनका अधिकार मिले इसके लिए कोई तरीके से योजना नहीं बनती है। तो अब जो है हम लोगों को देखिए 1932 का खतियान तो एक नारा बन गया है, मगर हकीकत यह है कि सर्वे का काम जो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक चलता रहा, जो 32 के खतियान के आज़ादी के बाद तक चलता रहा है अलग अलग प्रमंडलों में अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसलिए 1932 का खतियान अगर आप बोलिएगा तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सिर्फ नारा है, खतियान आधारित जो है झारखंड का जो खतियान धारी जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर पहचान मिलनी चाहिए, उसको यहाँ उसका नियोजन यहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए, जैसे दूसरे राज्य के जो सरकारें करती हैं वो घोषणा करती है, वो सारे वो प्रावधान लाती है, वो सारे वो सुरक्षा की व्यवस्था करती है कि वहाँ के लोगों को न्याय मिले, मगर अफसोस है हमारे इस राज्य का कि यहाँ आती जाती सरकारों ने इस राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है और सिर्फ लूट खसोट की जो राजनीति यहाँ पर चली है, बाहरी लोगों की यहाँ राजनीति चली है, और जो है हमारे अपने राज्य को लोगों का जो न्याय नहीं मिला है वही न्याय पाने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, वो उलगलान कर रहे हैं जो हमारे अपने क्रांति वीरों ने कभी छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, अब हम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं ताकि हमें अधिकार मिले, हमारा मान सम्मान मिले,
और हमारी सहभागिता भी जो है वो सुनिश्चित हो। यहाँ पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और झारखंड में लोगों की मांग उठ पड़ी है कि 1935 का त्याग लागू करें, नियोजन नीति लागू करिए सब लोग करके, लेकिन फिर भी उस बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया जा रहा। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें जो संवैधानिक रूप से ही लोकतांत्रिक एक ढांचा है, जो प्रजातांत्रिक एक ढांचा है, उसके अनुसार ये देश चलता है। पूरे देश झारखंड छोड़ के दूसरे जो राज्य है वो उसी संविधान के आधार पर चल रहे हैं, मगर यहाँ पर ये परिस्थिति आज बन गई है कि हम लोग जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हम लोगों को घोषणा देने गुंडा बोलने का काम करते हैं, और जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये भाजपा समर्पित लोग हैं। इस तरह का जो तमाचा हमारे मुंह में जड़ा जा रहा है, हम इसको विरोध करते हैं, और बल्कि हमारा जो आंदोलन और तेज होगा, हम लोग अपना अधिकार की लड़ाई जो शुरू किए हैं उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। अभी दुग्धा आए हुए थे गीताश्री उराव जी खतियानी महाजुड़ान में, और अभी आप लोगों ने सुना कि गीताश्री उराव जी ने 1932 खतियान को लेकर के क्या कहा, और सीएम का जो बयान आया था सदन में उसको लेकर के भी गीताश्री उराव जी ने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।